हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फाइनली वेट इज़ ओवर। जो मैं इतने सालों से जो चीज़ का वेट कर रही थी ना, वो फाइनली फिनिश हो गया। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। मतलब आई कांट बिलीव यार, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठी और जो मुझे मेल आया ना, मैं ऐसा सोच रही थी क्या ये सच में है कि मैं सपना देख रही हूँ। मुझे सच में बिलीव ही नहीं हुआ। और फिर मैंने वो चीज़ मतलब आगे फिर प्रोसेस किया और हो भी गया। तो पूरा वीडियो देखना, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। और एक बात, आप अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, बेल आइकन क्लिक करना। अगर जो भी मेरे न्यू वीडियोज़ हो, जो भी मैं अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए और आप फर्स्ट होगे जो मेरे चैनल और मेरे वीडियोज़ को देखोगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हुआ क्या पता है मेरे साथ, मतलब YouTube चैनल मैंने कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरा ये चैनल है ना, था ऑलरेडी था, तो उसमें मैं सिर्फ ऐसी फालतू के ऐसे वीडियोस सिर्फ डालती रहती थी और उसको मैं प्राइवेट रखती थी ताकि कोई देखे ना। फिर बहुत से वीडियोज़ है जो सब लोग डालते हैं, व्लॉग्स डालते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल जो भी रहता है वो सब मैं देखती रहती थी। फिर मुझे एक दिन ऐसा आइडिया आया कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तो फिर मैंने भी वीडियो स्टार्ट किया बनाना घर पे। तो स्टार्टिंग में मैं ना मेरा फेस तक नहीं दिखाती थी। मतलब मुझे ऐसा कि यार पता नहीं कैसा होगा, कैसा रहेगा, किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब हम वीडियोस बनाते हैं ना, तो वीडियोस तो हम अपलोड कर देते हैं बट एडिट कैसे करना है वो भी नहीं समझ आता। और अगर हम वो भी डाल देते हैं तो फिर हमें एक चीज़ का टेंशन कि उसके व्यूज़ आएंगे कि नहीं। और लिटरली सच बोलूँ ना कि फर्स्ट वीडियो में तो मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वो लोग ने तो देख लिया। फिर आगे आगे क्या होता है ना कि धीरे धीरे व्यूज़ कम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 3-4 दिन तक सिर्फ 40 व्यूज़ रहता है। तो मतलब वो चीज़ है ना, बहुत बुरा लग जाता है कि यार सिर्फ 40 लोगों, सिर्फ उतने ही लोगों ने देखा है। और ऐसे ऐसे 2 साल निकला, फिर भी मैं होप नहीं छोड़ा मेरा कि नहीं, कभी ना कभी तो मेरा चैनल ग्रो होगा, कभी ना कभी तो मुझे व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। तो मैंने वैसे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ना कुछ नए स्किन टिप्स मैं देती थी, हेयर केयर के ऊपर देती थी, स्किन जो भी हमारा पिंपल्स प्रॉब्लम जो भी है स्किन केयर का, वो सब मैं डालती थी। फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, फिर मैंने बच्चों के साथ चैलेंजेस किए, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए। कुछ वीडियोज़ ऐसे कि मेरे वायरल भी हो गए। और आप लोग को एक टिप्स दूंगी, जो लेटेस्ट जो भी टॉपिक चलती है, जो भी लेटेस्ट जो भी टॉपिक्स रहता है यूट्यूब पे, तो अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल अच्छे से ग्रो करे, आपको अच्छे से व्यूज़ मिले, तो आप पहले ये चेक करो कि लेटेस्ट टॉपिक क्या है, क्या चल रहा है, कौन से चैलेंजेस चल रहे हैं। तो वो टॉपिक के ऊपर अगर आप बनाओगे वीडियोज़ तो डेफिनेटली आपको व्यूज़ अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, और हैशटैग आप अच्छा सा यूज़ करना, मतलब जो टॉपिक पे बना रहे हो वो वाला आपको हैशटैग यूज़ करना है। और बस एडिटिंग अच्छे करना, लाइटिंग अच्छा करना, और जो बोलते ना क्लियर करना, क्लियर रखना। और एक चीज़, आप जब साउंड डालो तो साउंड आप ये चीज़ देखना कि कॉपीराइट ना हो, बिकॉज अगर कॉपीराइट हुआ आपके चैनल पे तो आपका चैनल ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सीरियसली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और एक चीज़, जितना हो सके ना आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट डालना, मतलब किसी का कॉपी करके मत डालना, हो सके उतना ओरिजिनल डालना ताकि आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो सेम चीज़ मैंने की 2 साल कंटिन्यूसली, यार लिटरली मैं पूरी रात जगती थी सिर्फ वीडियोज़ बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा रहेगा वो भूत के वीडियोज़, क्या क्या मैंने चैलेंजेस किए हैं, कसम से मेरी फट गई थी वो सब। वो टाइम पे तो पूरी रात भूत के वीडियोज़ बनाओ, वो सब मैंने डाल दिए। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने एक कुछ फेशियल का वीडियो डाला, तो वो वीडियो ना मेरा कुछ 26 मिनट का है, इतना बड़ा वीडियो। उसके पीछे मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक और फिर उसके बाद एडिटिंग करना, मीन्स पूरा रात मेरा गया। और उसमें व्यूज़ कितने आए पता है मेरे, सिर्फ 82। मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई ना कुछ चीज़ से वो वीडियो को लेके कि लिटरली मुझे रोना आ गया था कि मैं इतना मेहनत करके भी मुझे व्यूज़ सिर्फ 82 आ रहा है। और एक होता है ना कि लोग सिर्फ कुछ भी वीडियोस डाल रहे हैं फिर भी उनके व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, और हम अगर मेहनत भी कर रहे तो हमें कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो वो चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने 1-2 महीना मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो बनाना, मैंने बंद ही कर दिया। लिटरली मैंने ऐसा सोचा था कि अब मैं ये चैनल मैं डिलीट कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक और दूसरा एक चैनल मैंने ओपन किया,
दूसरे नाम से, तो फिर वो मैंने ओपन किया, उसमें भी व्यूज़ नहीं आते थे, फिर मैंने छोड़ दिया कि यार नहीं करना, जाने दो। फिर उसके बाद मेरी एक बहन का शादी था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग्स डालती हूँ, तो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किए। मेरा मतलब थॉट ऐसा था कि व्यूज़ तो नहीं आना है, क्योंकि मेरे एक भी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आता था, तो मैं सोची ठीक है ना, बट मेमोरीज़ तो रहेगी फैमिली वाले के, जो भी मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ तो फैमिली जो भी मेमोरीज़ तो रहेगी वहाँ पर। तो मैंने बस ये सोच के मैंने व्लॉग्स डाले, बट व्लॉग्स मेरा इतना काम आ गया, प्लस मेरे जो शूट्स है अभी भी मैं सेट पे ही हूँ, तो आज जो मेरा ये हो गया, तो मैंने सोचा कि भले सेट पे हो तो सेट पे, बट आप लोग के साथ मेरी हैप्पीनेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। तो बस आज फिर इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने व्लॉग्स डाला और एक व्लॉग मेरा इतना मतलब इतना काम कर गया, इतना वायरल हो गया कि 280,000 उस पर व्यूज़ आया। आई कॉन्ट बिलीव, मैं इतनी शॉक हो गई ना वो देख के। और फिर उसके बाद मुझे मोनेटाइज का परसों मुझे मेल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए रेडी है, तो ऑन करना है। मैं आई वॉज लाइक कि सच में ये ऐसा हो रहा है, बिकॉज मैं ना मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो यूट्यूब में, मैं उन लोग का जान खा जाती थी कि यार कब होगा मेरा मोनेटाइज, तुम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा कब होगा। पूरा दिन मैं वही सोचती रहती थी, पूरा दिन मैं वीडियोस देखती रहती थी, और इतने नेगेटिव वीडियोस भी है ना यूट्यूब पे कि वो देख देख के ना कभी कभी ऐसा हो जाता कि यार नहीं होता, कि डिलीट हो जाएगा, या ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सोच के भी हमें डर लगता है। तो फिर मैंने सोचना ही बंद कर दिया। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो यूट्यूब पे है, उसका भी लेटेस्ट अभी उसका भी चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसका नाम है अर्शी, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है। थैंक यू सो मच अर्शी, स्पेशली थैंक टू यू कि तूने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और मैंने तेरा बहुत जान भी खाया, बट इट्स ओके, फ्रेंड्स लोग का जान खा सकते हैं। तो तेरा मैंने बहुत दिमाग ख़राब किया, और आज तो मॉर्निंग से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। उसने मुझे सीरियसली यार बहुत अच्छे से उसने मुझे गाइड किया, थैंक यू सो मच अर्शी। तो बस आज फिर फाइनली मुझे मेल आ गया, जो चीज़ का मैं कल से वेट कर रही थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि अब मैंने मोनेटाइज के लिए तो डाल तो दिया है, बट जो थर्ड स्टेप रहता है ना वो कब होगा, बिकॉज वो चीज़ के लिए भी किसी किसी को 10 दिन 15 दिन लग जाता है, मुझे हार्डली 12 आवर्स भी नहीं लगा वो चीज़ के लिए। और आज मॉर्निंग में मेल भी आ गया कि आप मोनेटाइज के लिए रेडी हो, और आपका चैनल मतलब पार्टनरशिप उसके लिए रेडी है, तो आप सारे वीडियोज़ पर ऑन कर दीजिए एड्स। तो मैंने एड्स ऑन कर दिया, और आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियोस पे एड्स आने स्टार्ट हो गए, बट अभी भी डर है मेरे चैनल पे, क्योंकि अब तक तो सिर्फ एक स्टेज पार हुआ है, अब तक तो और मेहनत करनी है। बट ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, और बस हमेशा मुझे सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए यार, थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरे साथ, हमेशा ऐसे ही बने रहना, और मेरे वीडियोस देखते रहना, और लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरी मतलब इतनी सी इतना सा एक फैमिली था मेरा, जो कुछ भी नहीं था, सब्सक्राइबर कुछ नहीं था, और आज इतनी बड़ी फैमिली बन गई है मेरी यूट्यूब की। सो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड कीप सपोर्टिंग मी, लव यू, बाय।